वेलकम फ्रेंड्स, जीरो लेवल की गणित की क्लास यानी कि आपकी एक और भी उम्मीदों की क्लास। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखेंगे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या। जी हाँ, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पीछे की संख्या यानी कि प्रीवियस नंबर। उत्तरवर्ती मतलब नेक्स्ट नंबर यानी कि अपकमिंग संख्या यानी कि जो बाद में आती है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लगभग लोगों को आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इन सवालों के जवाब, उसके बाद हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है 51,934 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। ऑप्शन है आपके सामने ये ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा सही होगा। दूसरा सवाल 3091 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अगर आपको ये सभी इंग्लिश में चाहिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती तो कमेंट करिएगा, आपको हम इंग्लिश इसका मतलब इंग्लिश वर्जन दिखाएंगे, अपडेट करेंगे। अगला 51 की उत्तरवर्ती, तो हम शुरू करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या, और अनुवर्ती मतलब भी होता है बाद की संख्या। यानी उत्तरवर्ती और अनुवर्ती अगर बोले तो ये दोनों एक होते हैं, मतलब एक उनका नाम है एक उपनाम है। तो 51 की जो उत्तरवर्ती होगी वो 52 होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर मैं बोलूं यहां पर देखिए 50, 51, 52 और 53, इनमें अगर मैंने कहा कि 51 यानी कि 51 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 51 की पूर्ववर्ती क्या होगा? 50 होगा। अगर 51 की अनुवर्ती संख्या तो क्या होगा? 52 होगा। अगर 51 की उत्तरवर्ती संख्या तो भी यही होगा, 52 ही होगा। ठीक है ना? अगर आपको इसका इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे सजेशन आते हैं कि ये सब इंग्लिश में बताया जाए, तो बिल्कुल ठीक है। 3091 की अनुवर्ती क्या होगी, मतलब बाद की संख्या। भाई यहां तक तो छोड़ दो 3000 तक, 91 के बाद क्या था? 92 ना। तो 3091 की जो अनुवर्ती यानी उत्तरवर्ती होगी वो 3092 होगी, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इसमें बात करें 51,934 इसकी जो सही उत्तर होगा, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, ये होगा 51,935। इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे गलत है। समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप बोल सकते हैं बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब की बार तो आप सभी लोग बताएंगे, ये पूरी उम्मीद है ना। और हाँ, जो भी मित्र अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें, ठीक है ना, कर दिए, आगे चले बिल्कुल। भाई धोखा मत दीजिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा आपका 903 की पूर्ववर्ती संख्या है, जल्दी से बताइए। 900 है, 905 है, 902 है, 999 है, 999। सवाल नंबर पांचवा, 17 की उत्तरवर्ती 19, 18, 16, none of these। जल्दी से कमेंट करें चौथा और पांचवा का जवाब, क्योंकि आप जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, हो गए सभी के आंसर, तो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़े। बिल्कुल सब कुछ मस्त दिख रहा है ना, क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा सेटिंग से अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो। देखिए इसके आंसर के बारे में तो हम बात करेंगे, उसके पहले आपको बता दें कि 3 दिन आपकी यानी कि मंडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे ये कक्षा 4 की गणित की क्लास होती है, ठीक है ना, सुबह 5 बजे से। और अगला 3 दिन यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिन आपकी कक्षा 7 की गणित होती है। जब ये कक्षा 7 और 4 की गणित खत्म हो जाएगी तो आपकी 5 और 8 की गणित चलेगी। समझ रहे ना आप लोग? तो कंफ्यूज मत हुआ करें कि भाई ये आज तो 80 पार्ट थी, 85 थी, कल 15-18 कैसे हो गई। अगले दिन जो कक्षा 4 की गणित है वो पीछे चल रही है, अभी लगभग उसमें 15-20 भाग हुए होंगे। जो कक्षा 7 की गणित है उसमें 80 से ऊपर भाग हो चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना कैसे होता है क्या? बिल्कुल।
चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। पूर्ववर्ती मतलब पीछे का नंबर, यानी कि जो पीछे छूट चुका है। 903 के पहले क्या रहा होगा? 902, ऑप्शन नंबर सी सही। 17 की उत्तरवर्ती मतलब 17 के बाद क्या आता है? 18 आता है, यानी कि अपकमिंग नंबर क्या है? 18, ये इसका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब आगे ये हो गया पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। एक बात हम आपको और बता दें, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर करिएगा, कक्षा 4 की गणित, अगर आप 4 में हैं या नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए महत्वपूर्ण तो है ना, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो सवाल है आपके सामने, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां जो भी हो लिख लीजिए, खाली जगह में क्या होगा? अब खाली जगह कहां हो रही, ध्यान दीजिएगा। 370 - 0 इक्वल ये खाली जगह है, और फिर यहां पे क्या है? 370। आप बताइए खाली जगह में क्या भरा जा सकता है, गौर करिएगा और तुरंत बताइएगा। ऑप्शन पहला है 370 भरेंगे, 0 भरेंगे, नॉन ऑफ दीज भरेंगे, बस तीन ही ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट करें छठा का जवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आप सभी के लिए। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमारे लिए नहीं, सभी के लिए है। अगला सवाल आपकी कक्षा 4 यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो गणित की किताब है उसी बुक से है, इसको बताइएगा। 2370 इक्वल यहां पे ये खाना बना हुआ है और प्लस है 0, इसमें क्या भरेंगे? जल्दी से कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है 2370, दूसरा है 0, और ये है 3370, और ये है नॉन ऑफ दीज। 7 सवाल आपके सामने हो चुके हैं, नंबर 8वां, जल्दी से बताइए। 12 - 3 इक्वल इधर हम क्या भर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है इस खाने में क्या भरेंगे, कि 12 में 3 ऐड करें और इसमें ऐड करें तो बराबर हो जाए। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है इसमें 7, दूसरा है 10, तीसरा 13, तीन ही ऑप्शन है। नंबर 9th सवाल, 100 में अगर 9 जोड़ेंगे तो इधर साइड हम क्या लिख दें, इसमें क्या जोड़ें 109 में? ऑप्शन नंबर पहला है 0, दूसरा 1, तीसरा 109। देखिए 8-9 सवाल हो चुके आपके सामने, ये है खाना बना, इसमें भरना है और प्लस 109 लिखा है। जल्दी से कमेंट करें सभी सवालों के जवाब, बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको बताने वाला हूं तुरंत, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलें, कोई कंफ्यूजन है अगर आपको तो निसंकोच आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप कोई भी इसमें टॉपिक लिखना चाहते हैं तो रोक लें और लिख लें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी, इससे संबंधित लिंक मिलेंगी, ठीक है ना। और जो भी लिंक मिलेगी उन्हें फॉलो करिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, इससे आपका भी फायदा होगा हमारा भी होगा। तो भाई 50-50 होना चाहिए ना, ये हो गया। देखिए 370 प्लस 0 है, इसमें क्या जोड़ दे ऐसा कि, मतलब इस पे क्या रख दे कि उसमें 370 फिर जोड़े तो दोनों पलड़ा बराबर आए। तो भाई इधर 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 370 ही आएगा जोड़ने पे, तो इधर भी 370 ही आना चाहिए, तो क्या जोड़े? अगर एक जोड़ देंगे ज्यादा हो जाएगा, इसमें भी 0 ही तो जोड़ेंगे, तभी तो दोनों पलड़ा बराबर होगा, बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगला 2370 इसके बराबर ये आएगा, इसमें कौन सी गिनती लिखे कि उसमें 0 जोड़ दे तो 2370 आए। देखिए 2370 अगर उधर भी लिखेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसमें भी क्या भरेंगे? 2370। ऑप्शन आप अपना मिला सकते हैं। अगला 12 में 3 जोड़े, जितना आएगा
उतना ही बताइए कि इसमें पांच जोड़े कि उतना ही आए। तो पहले तो आप देखिए 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अब आप सोचिए कि कौन सी संख्या में हम 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, किस संख्या में आप 5 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 10 है ना। तो यहाँ पे चुपके से 10 बार दीजिए ना इसके अंदर में खाना में, छोटा सा था इसलिए मैं बाहर लिख दिया ये। अब तो कोई किसी को शिकवा गिला नहीं होनी चाहिए, ये सवाल तो आप कर लिए होंगे। 100 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 109 होगा, बराबर का चिन्ह लगा है, फिर प्लस 109 लिखा भी है। इसमें ऐसा क्या लिख दें कि 109 पे कोई फर्क ना पड़े, वो तो जीरो ही है, क्योंकि 109 अगर जीरो में जोड़ेंगे तो 109 ही आएगा। तो अब आप लोग जान गए होंगे इन सारे सवालों के जवाब, है ना मजेदार क्लास। तो मैं आपको एक दो सवाल और दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास इसी उद्देश्य से होती है कि जिसको जो कुछ भी नहीं आता है वो भी गणित सीख सकता है, और इस उद्देश्य को सफल बनाइएगा। आप लोगों का बहुत विशेष योगदान इसमें मायने रखता है। इस क्लास को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह शेयर करिएगा। अगर कोई समस्या होती है किसी भी समय तो एनी टाइम आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं 9793488448। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिलती रहें, ठीक है ना, समझ गए। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। आगे चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां या 9वां जो भी हो, जल्दी से बताइए। 90 में अगर हम जोड़ दें 19 और इधर फिर हम इसमें मान लेते हैं कि हमने लिख दिया 80, अब इसमें हम क्या जोड़ दें ऐसा कि ये दोनों बराबर हो जाए। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के तौर पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए क्या भरेंगे, फटाफट बताइए देर ना करते हुए। पहला ऑप्शन 109, 29, 19, 9, 9, 3। जल्दी से कमेंट करें, देर ना करें भाई, क्या सोच विचार रहे हैं। वो गालिब साहब ने कहा था ना, क्या नाम है उनका, क्या बात है आज बड़े चुपचाप बैठे हैं, कोई बात दिल पर लग गई या फिर कहीं और लगा बैठे हैं। तो भाई कहीं और मत लगाइएगा, बस इसी क्लास में ही लगाइएगा। क्या भरेंगे इसमें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भरना क्या है आखिर। जी बिल्कुल, इधर लाना 191। अब बताइए क्या भरेंगे। ऑप्शन नंबर पहला 49, 51, 47, 99। देखिए जीरो लेवल गणित की क्लास का ये उद्देश्य होता है कि भारतवर्ष में कोई ऐसा ना बचे जिसको गणित ना आती हो, सबको आनी चाहिए। और गणित जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जब से आप पैदा होते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कोई भी हो इंसान, वो गणित का ही प्रयोग करता है, क्योंकि खाना पीना खाता है, सामान लाता है, बाजार जाता है, लाभ हानि का सौदा करता है, तो जोड़ घटाना तो करना पड़ता है ना। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, अनपढ़ हो बिल्कुल, लेकिन खाना तो खाएंगे ना, भोजन करेंगे तो उसमें भी तो काउंटिंग करते हैं ना, क्योंकि जुटाना पड़ता है ना सभी सामग्रियां। तो बस सिंपल सी बात है, गणित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये आपके लाइफ के लिए, सभी के लाइफ के लिए। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा, बिल्कुल देर ना करें। हो गए सभी के उत्तर, हो गए तो फिर हम आगे चलते हैं, एक दो सवाल इसमें और दे देते हैं इसी तर्ज पे, इसी तर्ज पे। वो सवाल जो है देखिए, ये है 2/7, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ये, और इसमें से घटाना है 1/7। इसका आंसर क्या आएगा ये आप लोग खुद बताएंगे, मैं इसका उत्तर और ऑप्शन कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल कभी दुनिया में हुआ नहीं था जितना आसान मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी से इन सभी सवालों को लगा करके व्हाट्सएप पे फोटो भेजिएगा, और जो हमारे पुराने मित्र लोग जुड़े हुए हैं वो अक्सर इनको हल करते हैं, और ये होमवर्क है आपके लिए, याद रखिएगा, होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, जरा याद करिए बचपन के दिन जब होमवर्क नहीं करते थे तो क्या होता था। ये भाग का चिन्ह है, भेजिएगा इनको हल करके, और उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर करेंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीबीआर स्टडी का फेसबुक पेज अवश्य लाइक कर दें, जिससे कि ये क्लास आप फेसबुक पर भी देख पाएं। अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक दी गई होगी, यूट्यूब पे विजिट करें और पूरा कंप्लीट कोर्स पाएं, या फिर यूट्यूब पे सर्च करें पीबीआर स्टडी, और पीबीआर स्टडी जब आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छा रास्ता दिख जाएगा, जहां से आप बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे।
और आपको बता दें पीबीआर स्टडी के आपके दो यूट्यूब चैनल हैं इसी नाम से, एक और भी है मैथ आसान है। जी बिल्कुल मैथ आसान है की क्वालिटी ही अपनी है मैथ आसान बनाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में सभी चैनल की लिंक दी गई है, अगर आप सभी चैनल पर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सभी क्लासें मिलती रहेंगी निर्बाध रूप से। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी अपने विचारों को अवश्य कमेंट करिएगा। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक नंबर और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। इन नंबरों को आप लोग नोट करके रखें और एनी टाइम इन पे संपर्क कर सकते हैं, ये दो नंबर है आपस में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने को जो भूल गया था वो ये है, जो लोग नहीं लिख पाए वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको लिख लें, अभी दिखेगा। pbrstudy.com इस वेबसाइट पर विजिट करिए, अपनी पढ़ाई से संबंधित सभी समस्याओं को सुलझाइए, पीडीएफ फाइल, करंट अफेयर, जीके, जीएस और अन्य सभी सामग्रियों को प्राप्त करें। अगर आपको इस वेबसाइट पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए हमारी टीम ऑल टाइम उपलब्ध है। तो आज के लिए आपको जो कुछ दिखाया गया कैसे लगा अवश्य बताइएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इन सब बातों को सुना। तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। फिर से इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा, और हाँ लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर अगली क्लास भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में शायद कोई हर्ज नहीं है, है ना। तो थैंक यू फिर से एक बार, बार बार आपको थैंक यू। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में।